कि 2047 तक भारत को विश्व के पटल पर। राइट दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश होंगे। सबसे पहले आप लोगों को ताज़ी ताज़ी ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग, एकदम फ्रेश। हम आई हूँ अभी तालाब नहाने के लिए। देख सकते हैं आप लोग, अभी बज रहे हैं 8 और ठंड तो पूछो ही मत। नहा के अभी हमको जाना है कॉलेज रिपब्लिक डे मनाने के लिए। नहा पाते हैं कि नहीं, पर नहाना तो पड़ेगा ही। और आज थोड़ा स्पेशल भी है, रिपब्लिक डे है, तो इसलिए चलिए पहले नहा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। और ये हमारे महापुरुष जी नहा रहे हैं, इससे पूछते हैं क्या हाल चाल है पानी का। तो बताइए महोदय जी, कैसा लगा आपको? अब मेरी बारी है, हम जाएंगे नहाने के लिए। अभी हम नहाने जा रहे हैं पानी के अंदर और अनुभव बताएंगे कैसा है। आप लोग मेरा स्किन देख सकते हैं, इससे पता चल गया होगा आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं। नमो बुद्धाय, बचा लेना मेरे को। पूरा शरीर सुन पड़ गया है। सुसाइड करने का इससे अच्छा आइडिया कुछ नहीं हो सकता है ठंड में। तो चलिए फ्रेश हो लेते हैं। तो यार नहा लिए हैं हम, हमको भरोसा नहीं था नहा पाएंगे। सबसे ज़रूरी बात तो हम सही सलामत हैं। अभी चलते हैं डायरेक्ट कॉलेज, वहाँ पे मिलते हैं आप लोगों को, प्रोग्राम वगैरह दिखाएंगे। तो चलिए डायरेक्ट कॉलेज में मिलते हैं हम लोग। जैसे नौजवानों के बदौलत, हम लोग जैसे बच्चों के बदौलत, आने वाला बच्चों के बदौलत कि 2047 तक भारत को विश्व के पटल पर नंबर वन का देश को हम लोग बनाएंगे। तो हर एक नागरिक का कर्तव्य है, हर एक छात्र छात्राओं का कर्तव्य है कि एक अच्छे समाज का निर्माण करके गांव को, राज्य को, देश को मजबूती प्रदान करें। जिस तरह का सहयोग हो उस तरह से हम लोग सहयोग करने का काम करें। और इस अध्याय में पढ़ रहे सभी मैं प्रशिक्षण ले रहे छात्र छात्राओं को आज के दिन में मैं यही सुबह सुबह देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ अपने घर बार को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने माँ बाप की अच्छी कमाई को अपने जीवन में इन्वेस्ट करके आप लोगों ने जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो नियमित रूप से लगन से लीजिए, मेहनत से लीजिए। आने वाला समय में आपका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत सारे कंपनियां हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे केंद्र हैं कि आप लोगों को रोजगार का भी अवसर मिलेगा और अपने जीवन को सफल बनाने का अवसर मिलेगा, अपने माँ बाप का नाम को रोशन करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि छात्राओं का एक अवसर होता है, एक समय होता है आगे बढ़ने का, पढ़ने का, तो अवसर को ना गवाएं। स्टूडेंट का एक एक क्षण उनके जीवन के लिए बहुत कीमती होता है। तो सभी आदर्श पुरुषों ने यही कहा है कि अच्छे व्यक्ति का पहचान है, सफल व्यक्ति का पहचान है कि जहाँ भी रहे निरंतर मेहनत करे और अपनी लगन के साथ आगे बढ़े और हमारे गौरव बेटिया को नाम रोशन करने का आग्रह है। के साथ पुनः मैं इस विद्यालय के शिक्षकगण को, इस विद्यालय के संस्थापक को और इस विद्यालय में प्रशिक्षण ले रहे सभी छात्र छात्राओं को अपनी ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद,
एग्जाम लिए थे उसमें फर्स्ट जो भी किए हैं उन लोग को प्राइज सर के द्वारा दिया जाएगा। तो मैं फीडर संगेलियर से मनोज मरांडी टोपर आप आएंगे और दिनेश सर से बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप कुमार रविदास विनोद सर देंगे प्राइज। विनोद सर इलेक्ट्रिशियन और फीटर से हम लोग करवाए थे तो इलेक्ट्रिशियन पे फर्स्ट किए हैं फीटर पे फर्स्ट किए हैं अर्जुन सोरेन लीडर कर रहे थे आप आइए और प्राइज ग्रहण कीजिए। अनिल मांझी मनोज मरांडी विक्रम मांझी बढ़ते जाइए दिवाकर महतो राजेश मुर्मू अनिल सोरेन आप सभी लोग आओ और प्राइज ग्रहण करो। कबड्डी को इसी तरह आगे बढ़ाओ कबड्डी नहीं बढ़ाओ। सेकेंड ईयर सचिन राणा सुखिंदर रोहित राहुल राज संतोष आप आए प्राइज ग्रहण करो। जितना लड़का एक गया है फर्स्ट है सेकेंड है सभी आशीष सचिन सुखिंदर रोहित राहुल राज संतोष मैन ऑफ द मैच संदीप संजेदार दिवाकर कुमार महतो तुम नहीं खेल रहे हो बहुत अच्छा प्रयास है मुझे काफी अच्छा लगा ऐसे ही धैर्य रहना चाहिए जितने भी विनर्स हैं सबको एक बार फिर से बधाई और खेल कूद के साथ साथ अपने प्रशिक्षण भी इतना ही मेहनत और ध्यान देंगे। धन्यवाद पुरस्कार बांटा जा रहा था पुरस्कार मिल रहा था हम लोग को और ये एग्जाम देगा सीरीज में फर्स्ट आए हैं मदन मरांडी तो इसका एक्सपीरियंस पूछेंगे कैसा लग रहा है बताओ कैसा लग रहा है फर्स्ट आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं अपने क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लाया और इस बात की खुशी है कि मुझे एक मेडल दिया गया। चलिए ताली बजाइए इसके लिए कल हार गए थे जीतो कम से कम तो हम लोग को मिला है ये लड्डू देख लीजिए दो दो मिला है देखिए लड्डू ये नहीं दे रहा है यूट्यूबर होके असली वाला बहुत लालची यूट्यूबर है
लाइक है भेज दिया अच्छा भी घुमा करता है जय हिंद कोई घुमा देता अभी हम घर आ चुके हैं, बहुत मज़ा आया कॉलेज में और हम आप लोग को विश करना भूल गए थे। गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आज का आप लोग वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।